हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 10 और वो है पॉइजनिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो इसको पहले मोटा मोटा सा हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से सारी चीज़ों को जो भी आपके सिलेबस में पूछा है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि पॉइजन क्या होता है, ठीक है, उसी से बना है पॉइजनिंग। तो सबसे पहले जानिए कि पॉइजन क्या होता है। तो पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी चीज़ होती है कि जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे बॉडी के सेल का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको होने नहीं देता है। तो सपोज दैट हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं, वो अपनी एनर्जी बनाते रहते हैं, तो फिर क्या हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, पंपिंग करता रहता है। लेकिन अगर वो सेल डैमेज हो जाए या उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाए तो फिर क्या होगा, एनर्जी नहीं बनेगी। जब एनर्जी नहीं बनेगी तो वो क्या है, अपना काम नहीं कर पाएगा, तो हार्ट क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, आदमी की मौत हो जाती है। तो जहर किस तरीके से हमको नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे जो सेलुलर लेवल पे वो क्या करता है, हमारे जो सेल हैं उसको डैमेज करता है, यानी उसके जो फंक्शन है उसको डैमेज कर देता है, यानी केमिकल चेंजेस ला देता है। क्या करता है, केमिकल चेंजेस क्रिएट कर देता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं उसको डिस्टर्ब करता है। जब तो सेल डैमेज होता है, सेल की डेथ होने लगती है, और जब सेल की डेथ होती है तो आदमी की डेथ हो जाती है। अब ये जो जहर है, जो पॉइजन है, वो ये नहीं कि जो सांप काट रहा है सिर्फ वही जहर होगा, पॉइजन होगा, या जो मतलब जहर बिकते हैं, मतलब जो फेमस है वही जहर होंगे, बल्कि जो दवा हम लोग खाते हैं वो भी जहर के तरीके से काम कर सकता है, अगर उसको हम लोग ओवरडोज करें, अगर उसको हम लोग ज़्यादा मात्रा में ले लें तो वो भी एक तरीके से जहर का काम करता है। ऐसे जो मेटल्स होते हैं उनमें कुछ हैवी मेटल्स हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, तो इनको ये भी अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं या किसी ने उसको खा लिया ज़्यादा मात्रा में, तो वो भी एक तरीके से पॉइजन का काम करते हैं। ऐसे ही जो सांप काट लेता है तो वो भी एक तरीके से पॉइजन का काम करता है। ऐसे कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया होता है, समझ में आ रही बात, या कुछ पीने वाली चीज़ें हैं, पानी है, कोई भी क्या कहते हैं जूस है, कुछ भी ये पीने वाली चीज़ें हैं, बिवरेजेस हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो कभी ऐसा होता है कि उसको खाने के बाद क्या है, पॉइजनिंग इफेक्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे खानों को हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पॉइजन का काम कर सकते हैं। तो अब ये जो पॉइजन है, जब इसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होता है, समझ में आ रही बात, जब वो पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर अपना इफेक्ट दिखाने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग। तो ये जो पॉइजन है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, समझ में आ रही बात, जब हमारी बॉडी के अंदर वो इंटर हो जाता है, चाहे किसी भी रास्ते से हो, चाहे उसको किसी ने खाया हो, चाहे उसको सूंघा हो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको सूंघा हो, या फिर क्या है उसको सांप ने काट लिया हो, या इंजेक्शन के थ्रू उसको क्या है इंजेक्ट कर दिया गया हो, चाहे किसी भी रास्ते से अगर पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पॉइजन क्या होता है और पॉइजनिंग क्या होती है। उसके बाद एक टर्म समझिए, एंटीडॉट। क्या, एंटीडॉट। तो एंटीडॉट क्या होता है, तो एंटीडॉट का मतलब ये होता है कि इस पॉइजनिंग इफेक्ट को कम करने के लिए जो भी सब्सटेंस यूज होता है, इस पॉइजनिंग इफेक्ट को कम करने के लिए जो भी सब्सटेंस, जो भी चीज़, जो भी दवा यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीडॉट। क्या बोलते हैं, एंटीडॉट। अब एक चीज़ और समझिए कि जैसे कि मान लीजिए किसी ने मुंह के रास्ते से जहर खाया है, समझ में आ रही बात, किसी ने मुंह के रास्ते से जहर खाया है, तो सबसे पहला उसका इलाज क्या होगा, कैसे उसको हम लोग मैनेज करेंगे। तो अगर उसने मुंह से खाया है और हमको लग रहा है कि अभी वो जहर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, अभी वो जहर ब्लड के अंदर नहीं पहुंचा है, वो क्या है, अनएब्जॉर्ब्ड है, मान लीजिए हमारे स्टोमक के अंदर है या हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है, तो हम लोग पहली कोशिश ये करेंगे अगर हमारे स्टोमक के अंदर है कि उसको बाहर निकाला जाए उल्टी करा के,
उसको क्या कराएं, उल्टी करा के बाहर निकाला जाए या तो फिर डायरिया करा के स्टूल के रास्ते से उसको बाहर निकाला जाए, यानी दस्त करा के लूज मोशन करा के उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है। अगर वो क्या है हमारी बॉडी के अंदर पहुंचा और वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, अभी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचा, एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाना, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं पहुंचा है तो उसको उल्टी करा के निकालेंगे या फिर क्या कराएंगे, उसको टट्टी करा के निकालेंगे, तो उसमें परगेटिव टाइप की दवाएँ देंगे। ऐसे उल्टी कराने के लिए आप जो क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक है उसको क्या है पानी में घोल के उसको पिलाते रहेंगे, जब ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर नमक जाएगा और पानी जाएगा तो फिर क्या होता है वो उल्टी करता है। अगर उससे भी नहीं उल्टी करता तो कुछ कड़वी चीजें उसको खिलाते हैं जिससे उल्टी हो जाए, जैसे कि मान लीजिए इपिका कुन्हा है तो उसको खिलाते हैं, उसका पाउडर उसको पिलाएंगे तो उससे उल्टी हो जाती है। अगर उससे भी नहीं होती तो उसको इंजेक्शन वगैरह लगा के उसको उल्टी करवाते हैं, ठीक। ऐसे ही क्या कहते हैं मान लीजिए डायरिया कराना है, उसको डायरिया कराने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लेते हैं ताकि उसको जल्दी से बाहर निकाला जाए, या कोई परगेटिव दवा जो आपने सेना के बारे में पढ़ा कि वो एक तरीके का परगेटिव होता है, और भी कई सारी दवाएं आपने पढ़ी। ऐसे क्या कहते हैं जो कैस्टर ऑयल सीड, जो कैस्टर ऑयल होता है वो भी एक तरीके का परगेटिव होता है, तो परगेटिव दवाएं यूज करके उसको बाहर निकालेंगे, ठीक। ये तो हम लोग उस वक्त करते हैं जब वो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, और अगर वो एब्जॉर्ब हो गया है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच गया है तो उसमें हम लोग एक दवा तो ये देंगे डायूरेटिक, क्या करेंगे डायूरेटिक्स देते हैं ताकि वो पेशाब के रास्ते से जल्दी जल्दी से बाहर निकले। उसके अलावा कुछ और दवाएं देते हैं, उसके अलावा भी और कुछ और दवाएं देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीडॉट। क्या बोलते हैं एंटीडॉट हैं, कई सारे हैं, अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग पॉइजनिंग के लिए अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन एक है यूनिवर्सल। क्या है यूनिवर्सल एंटीडॉट, यानी उसको हर जगह आप यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज़ किसी ने जहर खाई है तब, समझ में आ रही बात, अगर किसी ने जहर खा लिया हो पी लिया हो या फूड पॉइजनिंग हो गई हो, खाने के अंदर जहर चला गया हो या बैक्टीरिया वाला खाना खा लिया हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया थे वो पेट के अंदर चले गए और लगता है कि अब मतलब उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा या हो चुका है, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए आता है एक्टिवेटेड चारकोल। क्या आता है एक्टिवेटेड चारकोल या केओलिन, क्या आता है केओलिन। उसको जब हम लोग क्या करते हैं किसी को खिलाते हैं, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं लेते हैं, अगर पेशेंट को देते हैं तो वो फिर क्या करता है वो जाके जो पॉइजन है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको खींच लेता है अपने अंदर और फिर क्या है टट्टी के रास्ते से बाहर निकल जाता है, स्टूल के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। और दूसरी बात जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं हैवी मेटल का पॉइजन हो गया, हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो गई या कोई और दूसरी पॉइजनिंग हो गई, अगर आपको मतलब एंटीडॉट याद नहीं आ रहा है, अगर आपको उसका जो एग्जैक्ट एंटीडॉट है वो याद नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे आप खाली जगह नहीं छोड़िएगा एग्जाम के अंदर, आप उसके अंदर डाइमर कैप्रोल डाल दीजिएगा। क्या डाइमर कैप्रोल याद कर लीजिए, डाइमर कैप्रोल इसको वहां पे डाल दीजिएगा। अगर फूड अगर पॉइजनिंग ऐसी है जो आदमी ने खाया है तो भी, तो उसमें चारकोल क्या कहते हैं, तो उसके अंदर चारकोल और केओलिन याद कर लीजिए, ये दो वर्ड्स चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल और केओलिन वो क्या करता है जाके एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ये याद रखिएगा। और कहीं पे भी आए तो इसको एंटीडॉट के तौर पे आप उसमें मार दीजिएगा अगर वो क्या है अनएब्जॉर्ब है, यानी अगर वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंचा है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच चुका है तो अगर आपको उसका एग्जैक्ट एंटीडॉट याद नहीं आ रहा है तो आप उसमें डाइमर कैप्रोल डाल दीजिएगा। क्या करेंगे डाइमर कैप्रोल डाल दीजिएगा, आपका आंसर किसी न किसी हद तक सही हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है। और दूसरी बात जैसे कि ओपियोइड्स होते हैं यानी नशे वाली दवाएं हैं, जैसे कि ओपियोइड हो गया यानी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, जैसे कि मॉर्फिन बहुत ज़्यादा किसी ने खा ली, बहुत ज़्यादा क्या है मॉर्फिन ले लिया उसने, होते हैं नशेड़ी लोग, तो उसका उसको पॉइजनिंग हो गया, पता चला पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा उसका सप्रेस हो गया, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, कोमा में चला गया। ऐसे ही क्या कहते हैं जो दवाएं होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, जैसे क्या कहते हैं बारबिट्यूरेट्स हैं, उसने कोई बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं जो कैनाबीज वगैरह हैं उस टाइप की, जो कैनाबीज तो जानते हैं ना, जो मतलब ऐसे ही जो क्या कहते हैं गांजा हो गया चरस हो गया इस टाइप की चीज़ें जो है उसको बहुत ज़्यादा उसने खा लिया, यानी वो तमाम चीज़ें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती हैं, तो उसके एंटीडॉट में आप क्या डालेंगे, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर डाल दीजिएगा, क्या कहते हैं जो स्टिमुलेंट होते हैं, क्या होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलेट करते हैं, तो वो उसमें डाल दीजिएगा, उसका नाम याद रखिए निकेथामाइड। क्या है निकेथामाइड, इसको याद रखिएगा।
यानी अगर जैसे कि मान लीजिए कोई भी दवा है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है, मतलब सप्रेस करती है, उसको उसने बहुत ज़्यादा ले लिया है तो ओवरडोज हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके की पॉइजनिंग है। तो ये वाली जब पॉइजनिंग होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस हो रहा है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि उसको एक्टिव करने के लिए हम लोग क्या देंगे, निकेथामाइड। निकेथामाइड क्या करता है, उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, एंटी डॉट हो गया। तो ये एक आप ओवरव्यू समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पॉइजन क्या होता है, तो पॉइजन इज ए सब्सटेंस विच वेंस कंज्यूम्ड, इनहेल्ड, अप्लाइड टू स्किन, इंजेक्टेड और क्रिएटेड विद इन बॉडी एंड प्रोड्यूसेज ए हार्म इफेक्ट टू द बॉडी। तो पॉइजन क्या है, तो पॉइजन कोई भी एक सब्सटेंस है कि जब वो क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, यानी वो खा लिया जाता है, या फिर क्या इनहेल्ड किया जाता है, यानी उसको सूंघ लिया गया, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एक तरीके का, समझ लीजिए वो जहर है हमारे लिए, अगर उसको बहुत ज़्यादा कोई सूंघ लेता है तो फिर वो क्या है, एक तरीके जहर का तरह काम करता है। ऐसे ही उसको अगर अप्लाई किया गया स्किन पर, यानी कोई चीज़ उसको स्किन पर लगा लिया गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंसेक्टिसाइड्स आते हैं किसी के हाथ में लग गए, या फिर क्या है इंजेक्टेड किया गया, उसको इंजेक्ट किया यानी इंजेक्शन से किसी के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया गया, ठीक, या तो फिर क्या है क्रिएटेड विद इन बॉडी, या इंजेक्शन से ही जरूरी नहीं है, बल्कि सांप अगर काटता है तो वो भी एक तरीके से क्या करता है, इंजेक्ट करता है, ठीक। ऐसे ही क्या वो बॉडी के अंदर क्रिएट हो गया, यानी आदमी कोई खा रहा था, कोई खाना ऐसे खाया या कोई दवा खाई जो असल में वो जहर तो नहीं है, लेकिन उसका कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया कि उसने जहर की तरह से काम कर दिया, तो चाहे वो बॉडी के अंदर खुद क्रिएट हुई हो, उत्पन्न हुई हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर क्या करती हैं, हार्म इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, यानी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो क्या है, पॉइजन है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसने जहर ही खाया हो, उसमें क्या हो सकती है, इट मे बी हैवी मेटल्स, वो क्या है, हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं जो असल में क्या है, जहर तो नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो रहे तो जहर का काम करते हैं। ऐसे ही दवा है, जैसे कि ड्रग्स, हम लोग दवाएँ खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए दर्द के लिए, बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है तो उसमें ओपियोइड दवाएँ चलती हैं, तो उसने उसको बहुत ज़्यादा खा लिया। ऐसे क्या है, एनिमल पॉइजन्स होते हैं, जैसे कि सांप ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, ऐसे क्या है बैक्टीरियल कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड कर लीजिए इसको अच्छा रहेगा, बैक्टीरियल कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक, यानी ऐसा खाना या ऐसा पानी या पीने वाली कोई चीज़ जिसके अंदर बैक्टीरिया था, तो ऐसा खाना पानी किसी ने अगर खा लिया पी लिया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइजन वो करता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, आप समझ चुके हैं। तो ये बॉडी के अंदर क्या करता है, तो चेंज दी सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी सेल लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर उसको चेंज कर देता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो केमिकल एक्टिविटी है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है, एंड डैमेज दी सेल, और सेल को डैमेज कर देता है फ्रॉम फंक्शनिंग, उसको फंक्शन करने से रोक देता है, ठीक है, एंड देन डिसीज एंड डेथ अकर्स। तो फिर क्या होता है, डिसीज हो जाती है, आदमी को बीमारी हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है, जब सेल डैमेज होंगे तो बीमारी होती है, या तो फिर क्या होती है, आदमी की मौत हो जाती है, यानी वो जहर का जो असर अगर ज़्यादा होता है तो फिर आदमी की क्या होती है, मौत हो जाती है। अब पॉइजनिंग क्या होती है, तो इंजरी और डेथ ऑफ सेल ड्यू टू पॉइजन इज कॉल्ड पॉइजनिंग। जो सेल है वो क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसकी इंजरी हो रही है, यानी उसके घाव बन जा रहा है, जख्म हो जा रहा है, वो टूट रहा है, या तो फिर उसकी डेथ हो जा रही है पॉइजन की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग। एंड इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक, और ये जो पॉइजनिंग है वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट मतलब जैसे अभी तुरंत खाया, किसी को सांप ने काट लिया, बहुत ज़्यादा दवा खा ली और उसका इफेक्ट दिखने लगा, तो वो क्या हो गया, एक्यूट हो गया। और क्रोनिक क्या होगा, क्रोनिक का मतलब ये कि धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा था, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी खाना खा रहा था, उसके अंदर आर्सेनिक एक तरीके का हैवी मेटल, वो थोड़ा थोड़ा बार बार आ रहा था और बॉडी के अंदर जमा हो रहा था, एकदम से अपना इफेक्ट दिखाने लगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा। अब एक चीज़ है इसमें एंटीडॉट, तो एंटीडॉट क्या होता है, तो एंटीडॉट इज ए सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द पॉइजन एंड रिड्यूस इट्स हार्म इफेक्ट टू द बॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी, तो एंटीडॉट्स क्या होते हैं, तो एंटीडॉट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पॉइजन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्या करते हैं, पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड रिड्यूस इट्स हार्म इफेक्ट, और पॉइजन का जो नुकसान पहुंचाने वाला इफेक्ट है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब एंटीडॉट के टाइप देख लीजिए, तीन तरह का होता है एंटीडॉट। कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का होता है एंटीडॉट। एक होता है फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट, एक होता है केमिकल एंटीडॉट, और एक होता है मैकेनिकल एंटीडॉट, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल एंटीडॉट। तो फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट है, ये क्या करता है, इट काउंटरेक्ट्स द पॉइजन इफेक्ट बाई प्रोड्यूसिंग अपोजिट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कैफीन इज यूज इन मॉर्फिन पॉइजनिंग।
तो ये जो फिजिकल एंटीडोट है ये क्या करता है, तो काउंटरेक्ट करता है। काउंटरेक्ट मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है, समझ में आ रही बात। काउंटरेक्ट मतलब ये होता है कि जैसे इधर से ये आ रहा है तो इधर से ये इसको जवाब दे रहा है, तो ये एकदम मतलब एकदम अपोजिट काम करना, उसको बोलते हैं काउंटरेक्ट। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कैफीन है, ये मॉर्फिन में क्या होता है, यूज़ होता है। यानी मॉर्फिन अगर किसी ने बहुत ज़्यादा खा लिया तो उससे पॉइजनिंग हो गई, तो मॉर्फिन खाने से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो क्या होता है, सप्रेस होता है। यानी समझिए आदमी को नींद से आने लगेगी, फिर क्या होता है पूरा, और बहुत ज़्यादा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अब ये जो कैफीन है जो हमारे चाय के अंदर भी होता है, कॉफ़ी के अंदर भी होता है, ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, एक्टिव कर देता है। तो ये सप्रेस कर रहा था, ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये समझ में आ रही बात, तो ये जो क्या है, एकदम इसके अपोजिट काम कर रहा है। तो ऐसा जो हो जो मतलब उसके अपोजिट काम करे, जैसा उसका एक्शन है उसके अगेंस्ट एक्शन शो करे बॉडी के अंदर जाके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट। ठीक, और दूसरा होता है केमिकल एंटीडॉट। तो केमिकल एंटीडॉट ये क्या करता है, इट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। ये क्या करता है, जो पॉइजन है उसका जो केमिकल नेचर है उसको चेंज कर देता है। सपोज दैट उसका जो केमिकल नेचर है वो तरीके से एसिडिक है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है जो नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये जाके क्या करेगा, उसको बेसिक बना दिया। सपोज दैट उसका जो केमिकल नेचर उसको चेंज कर दिया, वो एसिडिक था उसको बेसिक कर दिया, तो अब उसका नुकसान नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सोडियम थियोसल्फेट है, ये यूज़ होता है साइनाइड पॉइजनिंग में। साइनाइड पॉइजनिंग में ये क्या होता है, यूज़ होता है अगर किसी ने साइनाइड खा लिया है, ठीक है, तो उसकी पॉइजनिंग हो गई, तो उसमें क्या करते हैं, सोडियम थियोसल्फेट यूज़ करते हैं, तो इसका जो केमिकल नेचर है उसको ये क्या करता है, चेंज कर देता है। और तीसरा जो एंटीडोट होता है, जो तीसरा टाइप है, वो है मैकेनिकल एंटीडोट। वो क्या है, मैकेनिकल एंटीडोट, तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन द बॉडी। ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, पॉइजन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता बॉडी के अंदर। जैसे कि केओलिन और चारकोल, क्या है, केओलिन और इसको एक्टिवेटेड चारकोल भी कह सकते हैं, क्या, एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब द पॉइजन, ये पॉइजन को खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या करता है, एंड प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन इनटू बॉडी, और पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाने देता है। ऐसे ही जो है एल्ब्यूमिन ऑफ एग, एग का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है ना, अंडा, अंडा जानते होंगे, अंडा जिसने खाया होगा वो तो जानता ही होगा, अंडा का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है, वो एक तरीके से क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। तो जो क्या कहते हैं, अंडे का एल्ब्यूमिन है वो भी खिलाया जाता है, तो वो क्या करता है, हमारा स्टोमक है या जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल है इनर वाली, उस पर जाकर चिपक जाता है, तो फिर वो जहर को अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। जो हमारा इंटेस्टाइन है वहीं से ज़्यादा चीज़ें जो एब्जॉर्ब होती हैं, हमारे ब्लड के अंदर पहुँचती हैं, वो कहाँ होती है, हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, तो ये इंटेस्टाइन की जाके अंदर एक लेयर बना लेता है और फिर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है किसको, जहर को बॉडी के अंदर। ये आपने एंटीडोट के बारे में पढ़ लिया, अब अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई तो उसके जो ट्रीटमेंट करने का जो प्रिंसिपल है, जो रूल है और रेगुलेशन है, जो तरीका है, वो क्या है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, उसमें तीन रूल बताए गए हैं। एक है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, यानी वो पॉइजन जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे, यानी हमारे स्टोमक के अंदर चला गया है तो वहाँ से क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, उल्टी कराएंगे। इंटेस्टाइन के अंदर पहुँच गया है तो उसको रिमूव करेंगे, तो उसको नीचे के रास्ते से निकालेंगे, ठीक है, अभी मैंने बताया जैसे, तो ठीक, तो अनएब्जॉर्ब है तो उसको रिमूव करेंगे। ऐसे ही क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, एब्जॉर्ब पॉइजन, या वो क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब हो गया तो उसको भी रिमूव करने का काम, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं। और तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, एंटीडोट यूज़ करते हैं। एंटीडोट आप समझ चुके हैं, अब जो रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन है तो उसको वो दो तरीके से मान लीजिए आप होता है, एक होता है इमेटिक्स और एक होता है डायरिया, ठीक है। इमेटिक्स मतलब उल्टी करा के निकालेंगे, तो उसके लिए आप सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक होता है आपका, साल्ट होता है, वो 15 ग्राम लेंगे, यानी मान लीजिए एक मुट्ठा लेके डाल दिया एक गिलास पानी के अंदर। अब ज़्यादा नमक रहेगा तो आदमी वैसे नहीं पिएगा तो उल्टी होगी, और एक बार में नहीं उल्टी हुई तो फिर और पिलाइए जब तक कि उसको उल्टी ना हो। अगर उससे भी नहीं उल्टी होती, अगर ये प्रोसेस काम नहीं करता है तो क्या करेंगे हम लोग, तो 1 से 2 ग्राम इपिका कुन्हा आपने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी के अंदर, ठीक है, तो इपिका कुन्हा का पाउडर आता है तो वो उसको पिलाएंगे, कड़वा सा होता है उससे उल्टी करेगा, या कोई ऐसी चीज़, कड़वी चीज़ जो नुकसान ना पहुंचाए उसको उल्टी कराने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी काम नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एमोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूज़ करते हैं। कौन सा, एमोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं उल्टी करवाने के लिए। कौन सा, एमोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड, ये यूज़ करवाते हैं उल्टी करने के लिए, ठीक।
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो इंजेक्शन है ये ऐसे आदमी को नहीं देंगे जिसने मॉर्फिन खा रखी हो, यानी जिसको पॉइजनिंग है मॉर्फिन की वजह से है। तो अगर किसी ने मॉर्फिन खा रखा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से पॉइजनिंग हुई है, तो उसको उल्टी करवाने के लिए एमॉर्फिन नहीं देंगे, ठीक। अब दूसरा जो है डायरिया, तो डायरिया मतलब दस्त करवा के उसको बाहर से निकालेंगे, दस्त करवा के उसको नीचे से निकलवाएंगे। तो दिस मेथड इज़ यूज टू रिमूव द पॉइजन फ्रॉम जीआईटी थ्रू स्टूल। तो अगर जीआईटी के अंदर क्या कहते हैं पॉइजन है, तो उसको रिमूव करने का ये तरीका है स्टूल के रास्ते से, यानी टट्टी करवा के उस रास्ते, यानी टट्टी करने का जो रास्ता है एनस के रास्ते से इसको बाहर निकालते हैं। तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन आता है 5% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। 5% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, या आप खुद बना सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी आपके घर में जो सोडा होता है बेकिंग सोडा, वही है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। या दूसरी और जो परगेटिव दवाएं हैं, जैसे कि सेना हो गया, ऐसे कैस्टर ऑयल हो गया, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं परगेटिव करवा, उसको क्या है मतलब लूज मोशन करवाने के लिए, डायरिया करवाने के लिए। ऐसे क्या कहते हैं, अगर रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजनिंग, अगर कोई पॉइजन है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच चुका है, ब्लड के अंदर पहुँच चुका है, तो डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स की पूरी क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, यानी जो हमारे पेशाब के वॉल्यूम को बढ़ा देगा, तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खींच के बाहर निकालेगा, तो उसके साथ में पॉइजन भी बाहर निकल जाता है। ऐसे अगर किसी को गैसियस पॉइजन है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरीके का समझ लीजिए जहर होता है, एक पॉइजन वाला गैस होता है, तो अगर इसका किसी को पॉइजन हो गया है तो उसमें क्या करते हैं फ्रेश एयर यूज़ करते हैं, यानी आदमी को फ्रेश एयर देंगे, यानी ये समझिए कि क्या ऑक्सीजन उसको लगा देंगे, वेंटिलेटर आता है उसके जरिए से उसको क्या है ऑक्सीजन देंगे, ताकि उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचता है तो वो न्यूट्रलाइज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को और बाहर भी निकालता है, ठीक। अब ये पूछा है आपके सिलेबस के अंदर, यहाँ से असल टॉपिक शुरू हो रहा है, इतनी सारी बातें तो सिर्फ समझाने के लिए आपको थी। यहाँ से पूछा है टाइप ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है, पॉइजनिंग के टाइप और फिर उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और पूछा है उसका एंटीडोट, ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है। तो टाइप ऑफ पॉइजनिंग, तो एक टाइप का क्या होता है हैवी मेटल्स, क्या है हैवी मेटल्स का पॉइजनिंग होता है। तो हैवी मेटल पॉइजनिंग अकर्स व्हेन सर्टेन मेटल्स एक्यूमुलेट इन दी बॉडी, जब कुछ खास किस्म के जो क्या कहते हैं मेटल्स हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं तब क्या होता है हैवी मेटल पॉइजनिंग होता है। अब वो कहाँ से आते हैं, तो खाने के रास्ते से आ रहे हों, पीने के रास्ते से आ रहे हों, या तो फिर क्या है एयर के रास्ते से वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक। फॉलोइंग, और ये कुछ अब एग्जांपल्स हैं जो नीचे आ रहे हैं, वो किसके एग्जांपल हैं हैवी मेटल्स के। तो आपने पढ़ा होगा आर्सेनिक, तो आर्सेनिक एक तरीके का हैवी मेटल होता है। तो इसकी अगर पॉइजनिंग होती है तो क्या मतलब आदमी को सिम्टम्स दिखते हैं, तो क्या होगा बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, मुंह के अंदर जलन जलन सा होगा, ठीक है, ऐसे लिप्स के अंदर होगा, ऐसे आदमी को प्यास लगेगी, ऐसे क्या होता है जो गम होता है जो मसूड़े होते हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, मुँह के अंदर हो जाएगा, उल्टी होगी और आदमी को डायरिया होगा। अगर सीवियर कंडीशन में पहुँच जाता है तो फिर क्या होगा बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, आदमी का जो पल्स है जो नब्ज़ है जो यहाँ पे धड़क रहा है ना ऐसे पकड़ते हैं तो वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही क्या कहते हैं कार्डियक फेलियर हो सकता है और डेथ हो सकती है, आदमी का हार्ट फेलियर हो सकता है और आदमी की मौत हो सकती है। इसके लिए एंटीडॉट क्या है, तो डाइमर कैप्रोल, क्या है डाइमर कैप्रोल इंजेक्शन वाया IM, यानी ये जो इंजेक्शन है डाइमर कैप्रोल, इसको याद रख लीजिएगा, इसको आप मतलब मार दीजिएगा कहीं पे भी, मतलब अगर हैवी मेटल का है तो उसमें डाल देंगे ना तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना, कोई भी हैवी मेटल का है आप उसमें इसको याद रखिएगा डाल दीजिएगा। तो इसको किससे रूट से देंगे, तो इंट्रामस्कुलर रूट से इसको देते हैं। दूसरा हमारा लेड है, लेड भी एक तरीके का हैवी मेटल है। तो इसका अगर ये पॉइजनिंग होती है तो क्या मतलब सिम्टम्स देखते हैं, तो आदमी को भूख नहीं लगेगी, आदमी को क्या होगा नींद नहीं आएगी ढंग से, जॉइंट्स में दर्द होने लगेगा, मसल्स एंड एब्डोमेन पेन होगा, ऐसे ही सर में दर्द होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाता है इसके अंदर अगर इसकी पॉइजनिंग होती है। अब इसका एंटीडॉट क्या है, तो सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड, क्या है सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड दिया जाता है, ठीक है, ओरल रूट से देंगे। ये क्या करता है, किडनी के रास्ते इसको बाहर निकालता है, ये सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। और क्या यूज करते हैं, तो डाइमर कैप्रोल, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया। और तीसरा क्या है मरकरी है, क्या है मरकरी। अब ये देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैंने आपको जो तीन प्रोसेस बताए हैं ना कि आदमी को अगर किसी ने जहर खा लिया, अगर वो क्या कहते हैं मतलब अगर अनएब्जॉर्ब है तो उसको उल्टी करवा के निकालेंगे। अगर पूछता है ट्रीटमेंट आपके एग्ज़ाम में पूछता है, मान लीजिए मरकरी का आ गया और ट्रीटमेंट पूछता है कि उसने मुँह से खाया है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो आप वो सारे स्टेप इसमें लिखिएगा।
कि अगर क्या कहते हैं अनएब्जॉर्ब है तो उसको उल्टी करवा के निकलवाएंगे, अगर एब्जॉर्ब हो गया उसको उल्टी करवा के निकलवाएंगे, अगर इंटेस्टाइन में लगता है कि पहुंच गया है तो डायरिया करवा के निकलवाएंगे, और अगर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया तो एंटी डायूरेटिक्स भी देंगे, फिर उसके बाद ये एंटी डॉट वगैरह ये सब देंगे उसको, ठीक है। तो ये सब में आप जोड़िएगा वो सारी चीज़ें। अब एक ही चीज़ को मैं हर एक में जोड़ जोड़ के बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो मरकरी है तो इसका केमिकल, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो गले में क्या होगा, खराश होगा, लगता है ना खिचकिचा होगा, ऐसे क्या होगा बर्निंग सेंसेशन होगा, पेन एब्डोमेन के अंदर यानी एब्डोमेन में जलन होगा, ऐसे ही जो क्या कहते हैं बोन मैरो है उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, WBC RBC और क्या कहते हैं प्लेटलेट्स वगैरह बना नहीं पाएगा, ऐसे क्या होता है ब्लड की वोमिटिंग होने लग जाएगी, ठीक है। वो आदमी उल्टी करेगा उसमें ब्लड आ सकता है, ऐसे यूरिन में आ सकता है, और किडनी भी फेल हो सकती है इसमें। इसका एंटीडोट क्या है, तो डाइमर कैप्रोल, ठीक है, इंजेक्शन एक याद रखिएगा। और दूसरा इसमें क्या है पेनिसिलामाइन, क्या है पेनिसिलामाइन भी इसको हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं, ये भी क्या इफेक्टिव होता है, अच्छा काम करता है किसमें, मरकरी के पॉइजनिंग में, लेकिन ये वाला आप ज़रूर याद रखिएगा डाइमर कैप्रोल, अगर इसको याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा पेनिसिलामाइन, ठीक है। ऐसे ही अब एक टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया, ये जो कलर देख रहे हैं ना, तो ये कलर मैंने क्यों लगाया है ताकि आपको याद रहे। अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, हैवी मेटल का पॉइजनिंग पढ़ रहे थे, तो एक टाइप वो हो गया पॉइजनिंग का। अब टाइप नंबर टू है पॉइजनिंग का, क्या नारकोटिक ड्रग पॉइजनिंग, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हैवी मेटल की पॉइजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नारकोटिक ड्रग की पॉइजनिंग के बारे में, ठीक। अगर किसी को नारकोटिक ड्रग की वजह से पॉइजनिंग हो रही है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, और नारकोटिक ड्रग में क्या आता है, तो उसमें आता है हमारे ओपियोइड ड्रग्स, यानी जो ओपियोइड से जो ओपियम से बने हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नारकोटिक ड्रग पॉइजनिंग या ओपियम पॉइजनिंग भी बोलते हैं। अगर किसी ने उसको बहुत ज़्यादा खा लिया है, जैसे कि मान लीजिए मॉर्फिन है, कोडीन है, तो इस तरीके से क्या होता है नारकोटिक दवाएँ हैं, उसको बहुत ज़्यादा अगर किसी ने खा लिया है तो उसमें क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, तो क्या होगा उसमें, तो एक्साइटेशन होगा, आदमी को क्या होगा शुरू में, ये फेज़ है इसके, सबसे पहले उसको क्या होगा फर्स्ट स्टेप में उसको एक्साइटेशन होगा, उल्टी सीधी बकेगा वो, ऐसा लगता है मैं बहुत कुछ हूँ ना, बकता आदमी एक्साइट होता बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद क्या होगा उसको रेस्टलेसनेस हो जाएगा, आदमी को अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी से रहेगी, फिर उसके चेहरे पर लाली सी आ सकती है, चेहरा मतलब लाल लाल सा हो जाता है, देखते हैं ना जब कोई पीता है तो उसका भी चेहरा लाल लाल सा रहता है, आँखें चढ़ जाती है, तो ऐसे इसमें भी हो सकता है, ऐसे ही उसका हार्ट रेट फर्स्ट मतलब स्टेप में बढ़ सकता है। फिर क्या होगा, दूसरा स्टेप आता है उसको बोलते हैं स्टूपर, क्या बोलते हैं स्टूपर बोलते हैं, तो ये स्टूपर का मतलब होता है कि आदमी को मतलब कोई चीज़ें अब समझ में नहीं आ रही, उसका सेंस खत्म हो रहा है, सोचने की ताकत वगैरह खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टूपर, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेज होता है इसका, तो इसमें क्या होता है तो अनकॉन्शियस स्टार्ट हो जाता है, यानी आदमी धीरे धीरे अब बेहोशी की तरफ जाता है, ठीक है। दूसरा सर में दर्द होगा, फटीग होगा, और क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आई पुपिल्स, यानी जो हमारी ये आँखें जो पुपिल हैं तो उसमें क्या होगा ये जो पलकें हैं तो उसमें क्या होगा आप अपने आप कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा हिलने लग जाएंगी वो। और फिर तीसरा स्टेज होता है कोमा, इसमें क्या होता है तो मसल्स बिकम रिलैक्स, उसके मसल्स क्या होंगे एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसे हाथ पर पटक देगा वो, ठीक है। और क्या होगा जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, ऐसे टच करेंगे उसको पता नहीं चलेगा। और क्या होगा रिस्पायरेशन डिप्रेस्ड हो जाएगा, यानी आदमी को क्या है अब जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है ऑक्सीजन को अंदर लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना वो भी बंद हो जाएगा किसी हद तक। और क्या होगा जो पल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे, उसका जो पल्स है ना ये पल्स देखते हैं यानी समझिए हार्ट रेट उसका एकदम डाउन हो जाएगा। और फिर अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहता है तो फिर आदमी क्या है दुनिया से चला जाएगा। इसका एंटीडॉट क्या है, तो अगर ये कन्फर्म है, अगर ये कन्फर्म है कि इसकी जो पॉइजनिंग है वो किसकी वजह से है, ओपियोइड की वजह से है, ड्यू टू ओपिएट्स यानी ओपियोइड वाली जो दवाएँ हैं उसकी वजह से है, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं नेलोरफिन, क्या है नेलोरफिन यूज़ करते हैं, जो नेलोरफिन का इंजेक्शन आता है उसको हम लोग देते हैं आईवी रूट से, याद रखिएगा। अगर ओपियोइड का क्या कहते हैं उसको पॉइजनिंग है तो उसमें क्या यूज करते हैं नेलोरफिन, क्या नेलोरफिन इंजेक्शन यूज करते हैं आईवी रूट से, ठीक। और पेशेंट के जो बॉडी है ना उसको क्या करते हैं हम लोग गर्म रखते हैं, क्या करते हैं गर्म रखते हैं उसको, और क्या करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट देते हैं, क्या कहते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे, एक्टिव करे, क्योंकि जो ओपियोइड वाली दवाएं होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, एकदम समझिए दबा देती हैं, उसको सुला देती हैं। तो ये हम लोग दवा क्यों देंगे उसके उल्टा के उसको क्या करे वो स्टिमुलेट करे, तो उसके लिए दवा आती है निकेथामाइड, क्या है निकेथामाइड, इसको जो मतलब इसका जो ब्रांड नेम है वो कोरामीन के नाम से बिकती है, ठीक है, निकेथामाइड या कोरामीन आप याद रखिएगा। तो अब जो तीसरी टाइप है क्या कहते हैं पॉइजनिंग की, वो है कैनाबीज पॉइजनिंग, क्या है कैनाबीज, तो कैनाबीज आप पढ़ चुके हैं
क्या होता है, जैसे कि चरस, गाजा, इस टाइप की जो चीजें हैं, सेम किसकी तरीके से है, जो कुछ बातें हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ी है सेम उसी की तरह से है ये ओपियोइड की तरीके से, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी ओपियोइड की तरीके से करेंगे। चौथा क्या है, बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग। और ये जितनी है ना, ये तीनों ओपियोइड, कैनाबीज और बारबिट्यूरेट, ये सब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो बारबिट्यूरेट का जैसे कि फेनोबारबिटन, मेफोबारबिटन और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं, तो अगर उसको किसी ने ज़्यादा खा लिया तो उससे पॉइजनिंग हो जाएगी। तो उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है, तो रेस्पायरेटरी डिप्रेशन, तो जो क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन वाला सिस्टम है, लंग्स वाला जो सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। फिर हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा आदमी का, रीनल फंक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, यानी किडनी अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देगी, फिर आदमी कोमा में पहुंच जाता है, फिर क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके लिए एंटीडोट क्या है, अब जो बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग है तो उसके लिए एंटीडोट क्या है, तो पिक्रोक्सिन, क्या ये एक ओ आएगा, दो हो गया, इसको काट दीजिएगा, क्या है, पिक्रोक्सिन इंजेक्शन आता है, क्या आता है, पिक्रोक्सिन इंजेक्शन, इसको आईवी रूट से देंगे। और दूसरा क्या देंगे, सीएनएस स्टिमुलेंट देंगे, यानी निकेथामाइड देंगे, या कोरामीन के नाम से आता है, कोरामीन इसको देंगे, क्या कहते हैं, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। क्या अब जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्नेक बाइट, यानी किसी को सांप ने काट लिया तो क्या करेंगे, कौन सी दवा देंगे। तो स्नेक, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो सांप होता है ना उसके पास दो ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं, उसके दोनों साइडों में, जो उसका सर है उसके दोनों साइड में ग्लैंड होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है, उसके अंदर पॉइजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजनस ग्लैंड होता है, ठीक है। और वो कहाँ पे आता रहता है, उसका जो सलाइवा है उसके अंदर वो रिलीज होता रहता है, यानी उसके मुंह के अंदर समझ लीजिए जहर रहता है सांप के मुंह के अंदर। और जब वो काटता है तो उसके दांतों के साथ में क्या होता है, वो पॉइजन आदमी के बॉडी के अंदर चला जाता है। अब उसका जो पॉइजन होता है, अब इसका सांप का जो पॉइजन होता है, जो क्या कहते हैं, वेनम होता है, वेनम को पॉइजन बोलते हैं, ठीक है ना, वेनम का मतलब पॉइजन। तो वो क्या होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, प्रोटीन का और एंजाइम का, समझ में आ रही बात। ये जो जहर होता है सांप का, वो एक तरीके से क्या होता है, प्रोटीन होता है, या तो फिर क्या होता है, एंजाइम होता है, समझ में आ रही बात। जो इस सांप का जो जहर होता है, जो पॉइजन होता है, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, या तो फिर वो एंजाइम होता है। तो अभी जो प्रोटीन और एंजाइम है, तो उसके कुछ नाम भी हैं, तो क्या है, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिन ए, क्या है, न्यूरोटॉक्सिन ए, और दूसरा जो प्रोटीन है वो क्या है, न्यूरोटॉक्सिन बी, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो रिलीज करता है वो, जैसे कि कोलिनेस्टरेज और फॉस्फेटेज। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जाके हमारी बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं, कार्डियक या जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, यानी समझिए हमारा मेडुला जो है, उसको वो लोग क्या करते हैं, जाके मतलब घेर लेते हैं, उसको डैमेज करते हैं, समझ आ रही बात। या आप ये भी कह सकते हैं कि कार्डियक सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, या आप ये कह सकते हैं जो हमारा कार्डियक सिस्टम का जो सेंटर है, या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेंटर है, उसको डैमेज कर देते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर होता है मेडुला, वो संभालता है इसको, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं, उसको भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और ये जो न्यूरोटॉक्सिन बी है, ये क्या करता है, पैरालिसिस कर देता है। पैरालिसिस मतलब हाथ पैर पता चला उठा रहा, उठ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये एंजाइम है, तो ये भी जाके मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस करते हैं, जैसे कि कोलिनेस्टरेज है, फॉस्फेटेज है, ये फॉस्फेट को अलग कर देगा, तोड़ देगा, ये कोलिन क्या एसिटाइल कोलिन है, उसको तोड़ देगा ये, ठीक। तो अगर किसी को सांप काटता है तो उसके क्या मतलब आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखेंगे, क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, तो सबसे पहले जो उसका अगर कहीं सांप काटा है तो दो पंचर दिखेंगे, यानी दो सुराख दिखेंगे। अगर एक सुराख है तो मतलब ये कि सांप नहीं काटा है, कुछ और लग रहा है। अगर कहीं मान लीजिए सांप काटा है तो उसमें दो क्या कहते हैं, सुराख दिखेंगे, दो पंचर दिखेंगे, ठीक, उसके दांत के दो निशान दिखेंगे। और क्या होगा इसमें, तो आदमी के चेहरे का जो सेंसेशन है वो कम हो जाएगा, कुछ मतलब छुएगा पता नहीं चलेगा, ठीक। और क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा इसमें। और क्या होगा, इसको दिखाई देना थोड़ा सा कम हो जाएगा, ब्लर्ड विजन हो जाएगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा उसको, सर में दर्द होगा उसके। और क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, उल्टी होगी। और क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, आदमी बेहोशी की तरफ जा सकता है, डायरिया हो सकता है। और क्या होता है, बुखार हो जाएगा उसको, और कन्वर्जन हो सकता है, मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। अब इसका एंटीडोट क्या है, कैसे इसका इलाज किया जाएगा, तो क्या है, इसमें एंटीबायोटिक भी देते हैं, क्या देते हैं, इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह कुछ रहे हों, उसके दांतों के साथ में, उसके मुंह के साथ में आ गए हों बॉडी के अंदर, तो Q6HIV एम्पीसिलिन देते हैं, ठीक है, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं। और कौन सा देते हैं, डॉक्सासिलिन देते हैं, ऐसे क्या है, मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है, ये तीन क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। इलाज करने के लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। और क्या यूज़ करते हैं, तो एट्रोपिन, तो एट्रोपिन भी यूज़ करते हैं, तो 1 से 2 mg
यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, नियोस्टिग्मिन भी यूज़ किया जाता है ताकि उसके पैरालिसिस को ख़त्म किया जाए। सांप के काटने की वजह से पैरालिसिस आ गया है तो उसमें क्या देंगे हम लोग, एट्रोपिन 1 से 2 ग्राम या फिर नियोस्टिग्मिन देते हैं ताकि उसके पैरालिसिस को ख़त्म किया जाए। और क्या हम लोग देते हैं, ये मेन दवा है जो याद रखेगा इसको पूछ लेता है, क्या है, स्नेक वेनम एंटी सीरम आईपी। क्या है, स्नेक वेनम एंटी सीरम, अब ये चाहे आईपी हो, बीपी हो, डीपी हो, कोई भी हो, तो ये याद रखेगा स्नेक वेनम एंटी सीरम। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरे ये भी दी जा सकती है, पॉलीवेलेंट क्रोटालिडे। ठीक है, पॉलीवेलेंट क्रोटालिडे ये भी यूज़ किया जाता है। ये दो मतलब मेन दवाएं हैं जो उसको मतलब जहर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं। तो ये क्या है, स्नेक वेनम एंटी सीरम, या तो ये दे देंगे या तो फिर क्या है, पॉलीवेलेंट क्रोटालिडे दे देते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये देने से पहले, ये दोनों दवाएं देने से पहले आपको कुछ मतलब प्रोटेक्शन के लिए उसको देंगे ताकि उसको एलर्जिक रिएक्शन ना हो, कुछ दवाएं देते हैं। तो वो क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोन और फेनेरामिन मेलिएट। ठीक है, फेनेरामिन मेलिएट और हाइड्रोकोर्टिसोन, ये दवाएं देते हैं, ये इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसके बॉडी के अंदर क्या कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शन ना हो। अब एक टाइप है पॉइजनिंग की, वो है इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। इंसेक्टिसाइड यानी जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, कीटाणु वटाणुओं को मार, जो खेतों में डाली जाती हैं, मतलब वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मारने के लिए, तो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं इंसेक्ट्स को। जैसे कि इनके कुछ टाइप्स हैं, ऑर्गेनोक्लोराइन इंसेक्टिसाइड, और क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, और क्या है, कार्बामेट्स। ठीक है, क्या है, ये टाइप्स हैं किसके, इंसेक्टिसाइड्स के। अगर ये याद ना हो तो छोड़ दीजिएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो एबनॉर्मल सेंसेशन इन टंग, जो हमारी जबान है उसके अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल सेंसेशन होगा, यानी बहुत ज़्यादा समझिए जलन टाइप का होगा। ऐसे क्या है, लिप्स के अंदर होगा, फेस के अंदर जलन होगा, और क्या होगा, डिजीनेस हो सकता है, ट्रेमर, आदमी कांपने लग जाएगा, और क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। एंटीडोट में हम लोग क्या देंगे, तो एट्रोपिन देंगे, और क्या देंगे, पार्लिडोक्सिन देते हैं इसमें। ठीक है, इसका एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन और पार्लिडोक्सिन। सातवां क्या है, फूड पॉइजनिंग। क्या है, फूड पॉइजनिंग, तो दिस टाइप ऑफ पॉइजन अकर्स ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फूड पॉइजनिंग है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस वगैरह हो गया, ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से होता है कि जब वो हमारे खानों के अंदर आ जाते हैं, हमारे पीने वाली चीज़ों के अंदर आते हैं और बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो फिर वो पॉइजनिंग इफेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा उनका, तो क्रैमिंग होगी, यानी पेट के अंदर क्या होगा, रोड़ सा होगा, दर्द टाइप का होगा, और उल्टी हो सकती है, ऐसे आदमी को भूख नहीं लगेगी, बुखार हो जाएगा, फटीग होगा, यानी बदन में थकावट और दर्द होगा, सर में दर्द होगा। इसका एंटीडोट क्या है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स, जैसा कि मतलब लगता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो उसके हिसाब से हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। अब एक टॉपिक है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड सर्विसेज। क्या है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड सर्विसेज। यानी अगर हमको दवाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो हम लोग कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए कुछ सेंटर्स भी बनाए जाते हैं। ऐसे मान लीजिए आपके इलाके के अंदर एक ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर बना दिया गया, अब कोई भी आ रहा है दवा के बारे में, आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटर की बात हो रही है, उनकी क्या सर्विसेज हैं उसके बारे में पढ़ना आपको। तो डेफिनेशन क्या है, पहले इसकी पूछा है, तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर इज़ ए प्लेस फ्रॉम वेयर ड्रग्स एंड ड्रग्स थेरेपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू दोज डिमांड एनी आस्क लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस पेशेंट कम्युनिटीज। तो ये क्या है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या है, तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से क्या है, दवाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, या दवाओं के इलाज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। किसको दी जाती है, यानी कि कोई भी रास्ते में जा रहा है उसको बुला के कह रहा है, लो भाई इधर आओ, इधर आओ, ये दवा ऐसे लेना, नहीं, बल्कि जो डिमांड करता है, जो मांगता है, जो पूछता है उनसे, तो उसको जाके, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई डॉक्टर है, उसको इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो जाएगा। ऐसे क्या कहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको जरूरत है तो वो चली जाएगी, कोई पेशेंट है तो वो भी जा सकता है। अब ये बनाने के लिए, यानी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है समझ में आ रही बात, तो क्या जरूरत पड़ती है हमको, तो ए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर रिक्वायर्स कंप्यूटर। उसके पास एक क्या है, कंप्यूटर होना चाहिए विच हैज़ ड्रग इंफॉर्मेशन डेटाबेस, जिसके कंप्यूटर के अंदर क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हों, जिसके अंदर दवाओं से रिलेटेड क्या है डेटाबेस हो, यानी बहुत सारे उसके अंदर इन्फॉर्मेशन रखे हुए हों।
ठीक, ऐसे क्या इंटरनेट कनेक्शन हो उसके पास, ताकि वो क्या बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उस पर वो जाके एक्सेस कर सकता हो, यानी वहाँ से देख सकता हो। ऐसे उसके पास प्रिंटेड मटेरियल्स भी होना चाहिए, यानी उसके पास किताबें होना चाहिए या जो जर्नल्स आते हैं तो वो होना चाहिए उसके पास। बॉन्डेड जर्नल्स का मतलब, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे मंथली मैगजीन हैं, जर्नल्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जर्नल्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा मैगजीन या कोई ऐसा न्यूज़पेपर जिसके सारे टॉपिक्स या जिसके सारे आर्टिकल्स किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल्स बोलते हैं। ठीक, कोई मेडिसिन वाला जर्नल है तो मान लीजिए 10 महीनों का जो जर्नल है, 10 महीनों का जो मैगजीन है उसको एक साथ में क्या है, बाइंड कर दिया। ठीक है, स्पायरल बाइंडिंग कर दिया, कोई से भी बाइंडिंग कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड जर्नल्स। तो वो सब भी क्या है उसके पास होना चाहिए। ऐसे क्या है, सब्सक्रिप्शन टू सम नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ मेडिसिन। ऐसे जो दवाओं से रिलेटेड जो जर्नल्स हैं, जर्नल समझ गए ना, जो मैगजीन है तो जो इंटरनेशनल है, जो नेशनल लेवल पे जो दवाओं से रिलेटेड महीने में या 15 दिन में या वीकली क्या निकलते रहते हैं, तो उसको क्या है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, यानी ताकि इसके पास वो आते रहें। पैसा देना पड़ता है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। जैसे कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, ऐसे इंडियन मेडिकल जर्नल है, तो इनको क्या है भाई, अपना आप भी उसके मेंबर बन जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए, आपके पास वो क्या है भेजते रहेंगे मंथली। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाने के लिए। अब एक टॉपिक है आपके अंदर कि इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन हमको मिलते कहाँ से असल में, समझ में आ रही बात। तो ये हमारे पास तीन रिसोर्सेज होते हैं, तीन जगहें ऐसी होती हैं जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, समझ में आ रही बात। या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेता है तो इन्हीं तीन जगहों से या तीन तरीकों से उसको मिलती है। तो एक होता है प्राइमरी सोर्स, क्या है प्राइमरी सोर्स, सोर्स मतलब जरिया, ठीक है, रिसोर्सेज मतलब जरिए, क्या किसके जरिए से, किसके द्वारा, कहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो एक होता है प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है, तो प्राइमरी सोर्स कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च रिटन बाय एन ऑथर इन हिज ओन वर्ड्स, रिसर्च स्टडीज एंड साइंटिफिक रिजल्ट। तो ये क्या होता है प्राइमरी सोर्स, तो मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, कोई आदमी है, कोई डॉक्टर है, तो उसने कोई रिसर्च की, कोई स्टडी की, कोई साइंटिफिक उसने रिसर्च किया, ठीक है, उन सबको करने के बाद उसको अपने वर्ड्स में लिखता है वो, समझ में आ रही बात। मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च किया किसी दवा के ऊपर, उसके फ़ायदा नुकसान जो भी है, उसके अब उसके रिगार्डिंग मेरे दिमाग में जो सोच आई, जो मैंने रिसर्च किया, जो मुझे समझ में आया, उसको मैं अपने वर्ड्स में लिखता हूँ, तो वो क्या होता है प्राइमरी सोर्स होता है। ठीक है, मैं किसी दूसरे के नहीं बल्कि मेरी सोच, मेरे तजर्बा, मेरी स्टडी, मेरे रिसर्च, उसको मैं लिखता हूँ। अब वो मैं किसी भी तरतीब से लिखूँ, आगे पीछे, कोई उसमें टॉपिक कहीं पे भी हो, कोई टॉपिक कहीं पे भी हो, जैसे भी मैं लिखूँ, लेकिन मैं अपनी सारी चीज़ें उसके अंदर डाल रहा हूँ, तो वो क्या होता है प्राइमरी सोर्स होता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स, और फिर होता है टर्शरी सोर्स। तो ये जो सेकेंडरी और टर्शरी सोर्स हैं वो इसी प्राइमरी सोर्स पे बेस्ड होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसको और थोड़ा सा अच्छा बना दिया जाता है, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना दिया जाता है, लेकिन इसी से क्या है वो सारे नॉलेज लिए जाते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन इसी प्राइमरी सोर्स से लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो इसको प्राइमरी सोर्स को पढ़ रहा है, तो द रीडर एनालाइज दी गिवन इन्फॉर्मेशन एंड मेक एन ओपिनियन। अब कोई भी क्या कहते हैं रीडर है, जो पढ़ने वाला है, जो प्राइमरी सोर्स को पढ़ता है, तो खुद वो उसका उसको बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, उसको समझने की और उसमें से खोज के चीज़ों को निकालने की कोशिश करता है। ठीक, और फिर अपना एक ओपिनियन बनाता है, अपनी एक सोच बनाता है, अपना एक नज़रिया क्रिएट करता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो मतलब प्राइमरी सोर्स के, यानी किसी ने खुद से सारा रिसर्च करके उसको लिखा, तो जैसे कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, तो ये प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है प्राइमरी सोर्स है। ऐसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये भी एक प्राइमरी सोर्स है। ऐसे ही अमेरिकन जर्नल ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, तो ये भी एक क्या है प्राइमरी सोर्स है। ऐसे इंडियन मेडिकल जर्नल जो है वो भी एक प्राइमरी सोर्स होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है प्राइमरी सोर्स के, तो दे प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी जो अभी रिसर्च किया नया तो वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसे दे प्रोवाइड ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इन ऑथर्स वर्ड्स, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एकदम ओरिजिनल होता है, यानी जैसा ऑथर ने लिखा है और जिन वर्ड्स में लिखा है सेम वैसा ही रहता है। और जो सेकेंडरी और जो टर्शरी है, तो उसमें मतलब सेम वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाएंगे, बल्कि मान लीजिए मैं सेकेंडरी मतलब क्या कहते हैं सोर्स बना रहा हूँ, तो मैं उसकी किताब से पढ़ूंगा, उसमें मुझे जो समझ में आया मैं उसको अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, उसके अंदर कुछ तरतीब दे रहा हूँ, इंडेक्स वगैरह बना दिए,
चैप्टर वाइज उसको कर दिया, तो उसके अंदर मैंने चेंजिंग कर दिया, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है, तो वो क्या कहते हैं, उसमें मैंने चेंजिंग कर दिया ना, लेकिन इसमें जो होता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ओरिजिनल होती हैं, जो ऑथर ने किया है, जो लिखा है, जैसी उसको तरतीब बनाई है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये पूछ रखा है आपके सिलेबस में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इसमें क्या है, चांसेस फॉर फॉल्ट कंक्लूजन, तो इसमें इस बात के चांसेस है कि आदमी गलत कंक्लूजन निकाल ले, ठीक है। मान लीजिए मैंने पढ़ा कुछ और, उसमें मतलब समझना चाह रहा था लेकिन कुछ और समझ गया मैं, ऐसे क्या है, इट टेक्स टाइम टू सर्च एनी स्पेसिफिक टॉपिक, और इसमें क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए कि उसमें सारी चीज़ें तरतीब से नहीं है। ऐसे क्या है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई प्राइमरी सोर्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाई द कम्युनिटी, और इसके अंदर जो मतलब इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको क्या कम्युनिटी के लोग तुरंत क्या है एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए कि वो बातें पूरी अभी एकदम नई नई सी होती है, लोगों को पता ही नहीं होती है, तो कहते हैं चल ऐसे ही बकरा आके, मतलब वो ये उनको लगता है कि झूठ बोल रहा है, अभी तो क्या अभी एकदम नई नई आई है ना, तो इसलिए इसकी एक दिक्कत ये भी है। अब जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी सोर्स है, तो द प्राइमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रक्टिंग, तो सेकेंडरी सोर्स क्या है, तो जो प्राइमरी सोर्स है ना उसी के इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है और उसको क्या एक नई शक्ल दे के प्रोवाइड किया जाता है, पेश किया जाता है, तो उसमें क्या होता है इंडेक्सिंग कर दिया जाता है, यानी उसको एक तरतीब दी जाती है, चैप्टर वाइज उसको बना दिया जाता है, समझ में, टॉपिक जो है तो टॉपिक वाइज उसको क्या है सारी चीज़ों को बांट दिया जाता है अलग अलग, उसमें सब मिक्स थे, कहीं पे कुछ, लेकिन इसमें क्या है एक टॉपिक की जो चीज़ें हैं, एक चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको एक जगह कर देते हैं, फिर उसके बाद ऐसे चैप्टर वाइज बना बना के उसको लिखा जाता है, तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, और क्या होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि उसका जो सार होता है, जो खुलासा होता है, उसको उसमें बयान किया जाता है, यानी कि पूरी किताब को छापा जाए नहीं, बल्कि उसका जो मेन कॉन्टेंट है उसको लिया जाता है, ठीक। अब ये जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वो क्या करती है, तो सारी इंफॉर्मेशन को क्या है टॉपिक वाइज उसमें प्रोवाइड करते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें प्रोवाइड करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल सेकेंडरी सोर्स के, तो जैसे कि मेडलाइन है, क्या है मेडलाइन हो गया, ऐसे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट्स हो गया, तो ये किसके एग्जांपल्स हैं जो सेकेंडरी सोर्स हैं, ठीक है। ऐसे क्या इंडेक्स मेडिकस हो गया, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी सोर्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि और क्या है WHO ड्रग इन्फॉर्मेशन हो गया, तो सेकेंडरी सोर्स के क्या हैं सेकेंडरी सोर्स के ये एग्जांपल्स हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो दे प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू टॉपिक, तो इसमें क्या होता है आदमी तुरंत से टॉपिक पे पहुंच जाता है, चूंकि सब चैप्टर वाइज हैं टॉपिक वाइज हैं तो इसमें ढूंढना आसान होता है। ऐसे दे प्रोवाइड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वीकली और मंथली, और ये क्या करते हैं ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वीकली या मंथली, ठीक है। और क्या करते हैं दे प्रोवाइड कंसाइज एंड कॉन्क्लूटेड इन्फॉर्मेशन, और ये जो ना ये प्रोवाइड करते हैं कंसाइज इन्फॉर्मेशन। कंसाइज इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी बातों को कम वर्ड्स में बयान किया जाए, बहुत सारी बातों को छोटे से एक सेंटेंस में, छोटी चंद जुमलों में, कुछ वर्ड्स में बयान बता दिया जाए, तो उसको बोलते हैं कंसाइज, यानी एकदम एक्यूरेट और कम वर्ड्स में बताया जाए, और कॉन्क्लूटेड डेटा होता है वो, ये नहीं कि मतलब खुद आदमी को अभी क्या कहते हैं उसमें एनालाइज करे, समझे, एक ओपिनियन बनाए, ऐसा नहीं, बल्कि उसमें एक ओपिनियन बना के दिया जाता है, कंक्लूजन किया हुआ मिलता है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, देयर शुड बी मिस्टेक बिकॉज इट इज़ नॉट इन दी ऑथर्स वर्ल्ड, तो इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए कि जो असल जो ऑथर है उसके वर्ड्स को इसमें यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि अपने वर्ड्स इसके अंदर मिला दिए जाते हैं। ऐसे इट डोंट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर क्या होता है सार होता है, खास खास बातें, मेन मेन पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब तीसरा होता है वो क्या होता है टर्शरी रिसोर्सेज होता है, तो इसमें क्या होता है दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स बट दीज इन्फॉर्मेशन आर अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द FDA। इसमें क्या होता है कि वही सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो प्राइमरी वाला है उसी से लिया जाता है, उसी में से कुछ पॉइंट को लेके ये जाते हैं अपना खुद, मान लीजिए मैं उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स को लिया, उस पर कुछ रिसर्च किया, फिर मैं गया FDA के पास, ठीक है। FDA क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं उसके पास लेके गया और कहा कि देखो ये वाली बात है, ये मैंने रिसर्च की है, क्या ये सही है कि नहीं है, समझ में आ रही बात। मैंने लिया प्राइमरी से, उस पर मैंने कुछ अपना ध्यान लगाया, कुछ सोचा, कुछ समझा, कुछ नोट्स बनाए और FDA के पास ले गया कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, इसको मैं उसमें डाल दूँ, तो अब वो रिसर्च करके बताते हैं हाँ आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो टर्शरी वाला होता है, यानी तीसरा जो मतलब रिसोर्स का हमारे पास जरिया है, वो क्या होता है टर्शरी होता है, तो वो जो होता है ना वो FDA से अप्रूव्ड मिला होता है और FDA का उसके ऊपर लेबल भी लगा रहता है, जैसे आप लेबल ले सकते हैं FDA का, वो लगा देते हैं कि FDA अप्रूव्ड, ठीक है। तो
इसके कुछ एग्जाम्पल्स टर्शरी रिसोर्सेज के, जैसे कि रेमिंगटन्स टेक्स्ट बुक, ठीक है, क्या है रेमिंगटन्स टेक्स्ट बुक, ऐसे हैंडबुक ऑफ नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, और क्या है मार्टिंडेल ड्रग रेफरेंस, और क्या क्या माइक्रोमेडेक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, टर्शरी रिसोर्सेज के। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, तो दीज आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड कैन बी यूज्ड इजीली। तो ये जो है ना इन्फॉर्मेशन, ये क्या है इंटरनेट पे अवेलेबल रहते हैं, उसको आप जाके वहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। ऐसे क्या है लो चांसेस फॉर मिस्टेक, और इसमें मिस्टेक के चांसेस बड़े कम होते हैं, इसलिए कि इसको FDA से अप्रूवल मिला रहता है, तो वो भी रिसर्च करते हैं। ऐसे दे आर वाइडली एक्सेप्टेड इन मेडिकल प्रैक्टिस, और मेडिकल प्रैक्टिस में यानी जो हॉस्पिटल हैं, जो फार्मेसिस्ट हैं, तो उनके यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही डोंट टेक टाइम फॉर कंक्लूजन, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कंक्लूजन करने में, बल्कि सारी चीज़ों को कंक्लूड करके बताया जाता है। दे प्रोवाइड कंसाइज इन्फॉर्मेशन, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कंसाइज इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू कम इन टर्शरी स्टेज। अब किसी भी चीज़ को टर्शरी स्टेज में आने में बड़ा टाइम लगता है, यानी कि जैसे ही मतलब फर्स्ट प्राइमरी रिसोर्स में आया तो तुरंत वो टर्शरी में आ जाएगा, नहीं होता है, बल्कि पूरा एक प्रोसेस होता है तब आता है। ऐसे ही हो सकता है कि ऑथर में डिनाई टू यूज़ हिज कॉन्टेंट फॉर FDA अप्रूवल, हो सकता है जिस ऑथर ने कोई किताब लिखी, ठीक है, अपने वर्ड्स लिखे, अब हो सकता है वो मना कर दे, वो दे ही नहीं, मतलब के ले जाओ इसको टर्शरी, उसमें FDA के पास ले जाओ, हो सकता है वो कोई कमी निकाल दे, गलती निकाल दे, तो हो सकता है कि ऑथर अपनी क्या चीज़ों को दे ही नहीं, तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक टॉपिक और रह गया था इसमें, वो है पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर, जिसको हम लोग PIC नहीं है, ये क्या है PIC पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। जैसे आपने पढ़ा ना ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड सर्विसेज, ऐसे ही एक टॉपिक और आपके सिलेबस में पूछा है पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड सर्विसेज। तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी है, तो डेफिनेशन क्या है, पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर और पॉइजन कंट्रोल सेंटर दोनों एक ही बात है, इज ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट विच गिव्स इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड इमीडिएट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट, ऑफ की जगह पे द लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा, एंड प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजनिंग। तो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर तो एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या है पॉइजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे ही क्या है उसका मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, और इमीडिएटली क्या उसका डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, और कैसे उसके पॉइजन के इफेक्ट को रोका जाए, ये सारी सर्विसेज वहां से क्या है प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसका क्या है इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज का क्या है, कहाँ से हमको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि काम कैसे किया जाए नहीं किया जाए, उसके लिए भी ये सब बुक्स हैं, जर्नल्स हैं। तो जैसे कि क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसकी, ऐसे ही क्या है इंडियन जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है तो वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ऐसे ही क्या है पॉइजन डेस्क है तो इस पॉइजन डेस्क से भी हमको क्या है इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ऐसे ही क्या है हाइपर टॉक्स है तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं पॉइजन से रिलेटेड। अब एक टॉपिक है इसमें रिक्वायरमेंट्स, अगर कोई पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या उसके पास मतलब होना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले क्या है लीगल परमिशन, जो भी खोलना चाह रहा है तो उसको क्या है लीगल परमिशन लेना पड़ेगा, यानी सरकारी तौर पर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर शुड हैव लीगल परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड WHO, तो इसको क्या है गवर्नमेंट से और WHO से क्या है उसको लीगल परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या है दे शुड हैव ए वेल डिफाइंड पॉलिसी फॉर कैरी आउट द प्रोसीजर्स, ऐसे ही जो भी वो काम कर रहे हैं यानी मान लीजिए ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोसिस करना है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं, तो उन सब ये सब जो भी प्रोसीजर हैं उसके लिए उनके पास क्या है पॉलिसीज बनी हुई है जो कि वेल डिफाइंड हों, यानी अच्छे से उसको डिफाइन किया गया हो कि ये रूल्स हैं, ये इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये करेंगे नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या हो वेल डिफाइंड हों, ठीक। तीसरा क्या है ट्रेंड स्टाफ्स, उनके पास क्या है ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, ये नहीं कि आदमी ऐसे हैं कि जो उनको मतलब नॉलेज ही नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है उनकी, और कोई पेशेंट आया तो उसका वो मैनेज ही नहीं कर पाए, वो बेचारा मर गया, समझ में आ रही, या कोई इन्फॉर्मेशन लेने आया और ये खुद ही ट्रेंड नहीं है तो ये कन्फ्यूजन में आ जा रहा है कि यार इसको कैसे बताएं नहीं बताएं, ठीक। तो क्या है ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो दिस सेंटर मस्ट हैव ट्रेंड स्टाफ, तो इस सेंटर के पास क्या है ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए, एंड इट शुड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और ये जो सेंटर है इसको खुद भी क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए ताकि अपने ही स्टाफ को ट्रेन कर सके, और बाहर से कोई अगर आ रहा है
ये मतलब सीखने के लिए कि कैसे पॉइजनिंग को मैनेजमेंट किया जाए, तो उसको भी ये क्या है ट्रेंड कर सके, सिखा सकें। और क्या है, दे शुड हैव कंप्यूटर डेटाबेस इंफॉर्मेशन, इंटरनेट एक्सेस एंड प्रिंटेड मटेरियल्स। तो इनके पास क्या है कंप्यूटर कंप्यूटर डेटाबेस इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी इनके कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे क्या बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो और उसको क्या है कुछ ही क्लिक्स में उसको मतलब और कुछ ही क्लिक्स में उस इंफॉर्मेशन तक पहुँचा जा सकता हो। समझ में आ रही बात, यह नहीं कि एक घंटा ढूंढ रहे, नहीं बल्कि होते हैं ना शॉर्टकट, कि जैसे खोला एक वर्ड डाला पी से कोई दवा को हमको ढूंढना है तो पी डाला फौरन वो आ गया, तो इस टाइप के सिस्टम होना चाहिए। और इनके पास इंटरनेट एक्सेस भी होना चाहिए, यानी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के लिए इनके पास इंटरनेट भी होना चाहिए, यानी इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए इनके पास। ऐसे क्या है प्रिंटेड मटेरियल्स भी होना चाहिए, यानी कुछ किताबें हो गई, कुछ जर्नल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें इनके पास होना चाहिए। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, तो दे प्रोवाइड पॉइजन रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो पॉइजन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वगैरह हैं तो वो प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। ऐसे ही क्या है दे ट्रीट द पेशेंट्स हैव पॉइजनिंग इफेक्ट्स, ऐसे ही क्या है ये उन पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उनको ठीक करने का काम करते हैं, उनका इलाज करते हैं जिनको पॉइजनिंग हो गई है। ठीक, ऐसे क्या है दे कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू मैनेज पॉइजनिंग, ये प्रोग्राम कराते रहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कंडक्ट करते हैं कि कैसे पॉइजनिंग को कंट्रोल किया जाए, ये उसके अंदर ये लोग सिखाते हैं। तो ये इनका क्या हो गया फंक्शन हो गया। तो ये जो आपका चैप्टर था वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।